दतिया में एक वकील का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उनके चैम्बर में पड़ा मिला। चैम्बर में बदबू आई तो वकीलों का वहां जमघट लग गया। बाद में चैम्बर का दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर कुर्सी पर बैठे वकील का शव मिला। पुलिस की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर छानबीन की। वकील का शव दो तीन दिन से यहां पड़ा था। दरवाजा अंदर से बंद था जिसे तोड़कर शव को बाहर निकाला गया। डीएसपी शुक्रपाल भी मौके पर पहुंचे। वहीं सीन ऑफ क्राइम की टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। ये सुसाइड का मामला है। सुसाइड का मामला है। एक 38 साल का एक युवा एडवोकेट है जो सिविल मैटर्स को देखता है। क्या नाम था उसका? नाम है अमित कामरा जी। तो यही रतिया का है, पिछला लालवास गांव का रहने वाला है। तो मकान ही बनाया हुआ है तो उसने सुसाइड कमिट किया है और उसकी अभी हम जांच कर रहे हैं। कारण क्या रहे? कुछ जहरीला पदार्थ खाया? कैसे? प्राइम ऑफिसर ही ऐसा लगता है कि वो थोड़ा डिप्रेशन कुछ रहा होगा, जैसे घर वालों ने उसे दाएं से बाएं से कुछ कुछ चीज़ें सुनने में जो आई है जी, तो इसलिए उसने सुसाइड किया है। कार्रवाई जो हमारी नॉर्मल कार्रवाई होती है, हम अभी पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी के वार्सन को उनको दे देंगे उसका अंतिम संस्कार के लिए। और हमारे पास कार्रवाई को पुलिस कार्रवाई के लिए कोई क्रिमिनल एक्शन लेने के लिए कोई हमारे पास अभी कोई शिकायत इस प्रकार परिवार की तरफ से कोई शिकायत आई है ना? अभी तक हमारे पास कोई किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है। डिप्रेशन में था ज़्यादा ऐसा सुनने में आया है। मेडिसिन मिली है कोई? हाँ, कुछ दवाइयाँ जो है पास से मिली है। बहरहाल जानकारी के मुताबिक वकील अमित कामरा कोर्ट परिसर में किसी अन्य वकील के 12 नंबर चैम्बर में बैठते थे। सुबह वकील जब पहुंचे तो उनके चैम्बर के आसपास सड़हांद आ रही थी। बताया जा रहा है कि कमरा अंदर से बंद होने पर और बदबू कमरे से ही आने पर वकीलों ने कमरे के दरवाजों को जोर से धक्का मारकर तोड़ा। वकीलों ने अंदर जाकर देखा तो अमित कामरा का शव उनकी चेयर पर पड़ा मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सत्य खबर के लिए रतिया से अशोक ग्रोवर की रिपोर्ट। सत्य सटीक बेबाक।